जब हिजाबे पर्दा गैबत उठाया जाएगा, एक दिन वो आएगा। ही इज द इमाम जुमा महफिल पंजतनी पनवेल न्यू मुंबई, ग्रेजुएट फ्रॉम मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी। ही इज एन आलिम फ्रॉम अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अदबे माहिर फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, graduate from Jamia Imam Amir al-Mu'mineen alayhi salam, Najafi House, Mumbai. His topic are scholars in touch with Imam Mahdi alayhi salam. He shall be speaking in Urdu. I welcome on stage Hujjatul Islam Maulana Sayyid Ali Abbas sahab, known as Ummeed Azmi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. अल्हम्दुलिल्लाह अला अहलिही वला अनतुल्लाह अला मुस्तहक़िह, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला इमामुनल महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मल हवादिसुल वाक़िया फ़रजऊ फ़ीहा इला रवाति हदीसना। हज़रात मोमिनीन, आज के इस चुके मुख्तसर बहुत मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, और मज़मून जो है ये बहुत बड़ा है। सैकड़ों रवायात और हदीस हैं, मैं सिर्फ़ एक हदीस और एक रवायत पर इक्तफा करके वक्त के अंदर, चूँकि 12 टॉक है तो 12 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। इमाम की जो अहादीस हैं, चूँकि हमारा मज़मून और मौजू अभी बताया जा चुका है कि क्या हमारे उलमा और फ़क़हा इमाम के राबते में हैं, इस सिलसिले में बहुत सी बातें हैं। हमारे मुताख़रीन के जो उलमा हैं, जिसमें सर फहरिस्त शेख तूसी, इनका ये कहना है कि बाकायदा हमारे उलमा इमाम के राबते में हैं। उसकी वजह और उसकी दलाइल बहुत सारे दिए हैं उन्होंने, वक्त नहीं है कि हम उन दलाइल की तरफ जाएंगे। असल बात जो मैंने ये हदीस पढ़ी है इमाम की, इसमें यह है कि इमाम फरमाते हैं कि, और बहुत मशहूर है, देखिए हवाला जात नहीं दिए जा रहे हैं या अरबी इबारतें नहीं पढ़ी जाएंगी ताकि वक्त बचा रह जाए। बहुत मशहूर यह है कि जब तुम मुश्किलात में हो या इस ज़माने में तुम पर कोई चीज़ लगे तो तुम हमारे रावियों की तरफ इन मामलात में मुराजियत करो, उनकी तरफ रुजू करो, हम उन पर हुज्जत हैं, वो तुम पर हुज्जत हैं। यह लफ्ज़ हुज्जत बता रहा है कि यह इमाम के राबते में हैं। अगर ये इमाम के राबते में ना होते तो इमाम कभी ये नहीं कहते कि हम इन पर हुज्जत हैं और ये तुम पर हुज्जत हैं। ये हुज्जत बता रही है कि ये इमाम से इनका राबता है। आगे गुफ्तगू आएगी कि राबता किस तरह है। देखिए, इमाम का जो दौरे गैबत है वो दो तरीके का है, गैबत सुगरा गैबत कुबरा। गैबत सुगरा का जो ज़माना है उसमें नवाब अरबा के ज़रिए से इमाम बाकायदा राबते में थे, उनके ज़रिए से बकिया अफराद नवाब अरबा के ज़रिए से इमाम से राबते में थे। मगर गैबत कुबरा के ज़माने में 329 के बाद से लेकर गैबत जो कुबरा का ज़माना जो शुरू हुआ उसमें यह राबता बज़ाहिर मुनक़ता हो गया, बज़ाहिर मुनक़ता हो गया लेकिन बबातिन मुनक़ता नहीं हुआ। चूँकि इमाम गैब में चले गए तो बज़ाहिर मुनक़ता हो गया, बबातिन मुनक़ता नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि जब इमाम ने यह कह दिया कि तुम इनकी तरफ मुराजिया करो, हम इन पर हुज्जत हैं, जब इमाम कह रहे हैं कि तुम इनकी तरफ मुराजिया करो, आप देखें अगर आप किसी की तरफ किसी को भेजेंगे तो उसके तमाम आमाल से गाफिल नहीं होंगे। इमाम ने फरमाया है कि तुम इनकी तरफ जाओ, हम इन पर हुज्जत हैं तो और ये तुम पर हुज्जत है, इसका मतलब ये है कि इमाम इनके आमाल से गाफिल नहीं है, इमाम इन्हें देख रहे हैं। हाँ, इसमें ये कहा जा सकता है कि हम जब चाहें नहीं मिल सकते मगर वो जब चाहें तो मिल सकते हैं।
आपने इससे पहले की जो तकरीर सुनी है उसमें विलायत तकवीनी के हवाले से जो गुफ्तगी है उसमें विलायत तकवीनी में ये चीज़ आती है, हम नहीं मिल सकते उसमें, वरना वो हदीस आएगी जो हमसे मुलाकात का दावा करे वो झूठा है, तो हम नहीं मिल सकते हैं। लेकिन शेख उसी ने लिखा है कि अगर इमाम के खास दोस्त और जिन पर इमाम की खास नजर करम हो, या इमाम जिसे ये समझे कि ये दीन में हमारा मुआमिन साबित हो सकता है, इमाम उससे मिलते हैं। वरना आप देखें बहुत मशहूर तौकी है इमाम की अबुल हसन इस्फहानी के लिए, अकाया अबुल हसन इस्फहानी के लिए, और वो तौकी बाकायदा है कि रखिस नफ्स, अपने नफ्स को इस बात को तैयार करो, वजलिस फिद दहलीज, और अपने दरवाजे पर बैठ जाओ, वक्त से हवाए जन्नास, और लोगों की हाजतें पूरी करो, नहनो ननसुरक, और हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये इमाम की तौकी जो आका अबुल हसन इस्फहानी के लिए है, नहनो ननसुरक, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये मदद क्या है? अगर राबता ना होता तो इमाम कभी ना कहते कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये इमाम का कहना कि मदद करेंगे, ये इस बात पर दलील है कि इमाम मदद करते हैं और ये उलमा बाकायदा उनसे राबते में हैं। आप गौर फरमा रहे हैं। और अगर नहीं होते तो आज जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है, या ये जो सिलसिला मरजियत है, आप गौर करें, अगर इमाम की नज़र करम ना होती, इमाम से राबिता ना होता, तो ये बिल्कुल बिखर के रह जाता शिराज़ा। जैसे बाज़ अफराद का आप देखते हैं, चूँकि कोई ज़िम्मेदार नहीं था, कोई राबिता नहीं था। और आपको बताऊँ कि मिक्यालुल मकारिम में अकाए मुसवी इस्फहानी ने पूरा एक चैप्टर इस सिलसिले में लिखा है, आप मुतालिया फरमाए उसमें, कि इमाम से राबता कैसे किया जा सकता है, इमाम से राबते को कैसे बढ़ाया जाता है। उसमें उन्होंने 20-25 पॉइंट्स लिखे हैं कि जिसमें बताया है कि इमाम से अगर राबता बढ़ाना हो या इमाम से आप राबता करना चाहें तो कैसे करें। उनमें चंद चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, और इस ट्वेल्व टॉक के जरिए से जहाँ तक बात पहुँचेगी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बात मेरे वक्त के अंदर खत्म हो जाए। उसमें जो उन्होंने लिखा है आगा मुसफी इस्फहानी ने मिक्यालुल मकारिम में कि किस तरीके से इमाम से राबता, उसमें पहले कि अगर आप चाहते हैं कि आपका आपके इमाम से राबता बना रहे, ये लिखा है यही लफ्ज़ के साथ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इमाम के साथ राबता बना रहे तो आपको इमाम का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतजार, इंतजार इमाम, इमाम से राबते की बेहतरीन दलील है, इसलिए कि इंतजार उसी का किया जाता है जिससे टच होता है, इंतजार उसी का किया जाता है जिससे राबता होता है। जिससे राबता नहीं है आप उनका इंतजार नहीं करते हैं। मसलन आप अगर यहां पर ले लें, बहुत से उलमा इस शहर के अंदर हैं, मगर आप इंतजार उस आलिम का कर रहे हैं जिससे आपने वादा लिया है आज के प्रोग्राम का, जिससे आपने आज के प्रोग्राम का वादा लिया है, जिससे आप पिछले एक डेढ़ महीने से राबते में हैं, जिससे एक डेढ़ महीने से टच में हैं। वरना मैं जानता हूं कि हो सकता है बाज़ बुजुर्गान या बाज़ उलमा उनसे ज़्यादा आपके करीब हों, लेकिन जिनसे आपने राबता किया है आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार उनका किया जाता है जिससे राबता होता है। लिहाजा जितना इंतज़ार मजबूत होता जाएगा उतना इमाम से राबता मजबूत होता जाएगा। एक जो उन्होंने लिखा है मिक्यालुल मकारिम में अगर मुसवी इस्फहानी ने, इसके बाद वो कहते हैं कि इमाम के दौरे गैबत में इमाम के लिए दुआ करना। आप गौर कर रहे हैं, वो उन्होंने लिखा है कि इमाम के दौरे गैबत में अगर कोई चाहता है कि अपने राबते को मजबूत करे तो वो इमाम के लिए, बहुत मैंने कहा 20-25 पॉइंट्स है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इससे तफसील में जाऊं। इमाम से राबता रखना चाहता है तो वो इमाम के लिए दुआ करे। फिर वही बात यह है कि दुआ उसी के लिए की जाती है जिससे राबता होता है। जो अफराद आपके राबते में नहीं है, जिन्हें आप जानते नहीं हैं, उनके लिए तसव्वुर दुआ नहीं है। अगर आप मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन तो कहीं ना कहीं राबता है। ये जो आप दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनकुम वल अमवात, आप पूरा इलाखिर पढ़ते हैं, तो मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। ये क्या है? ये एक राबता है। कोई आपका दीनी भाई है, कोई आपका इस्लामी भाई है,
आप गौर कर रहे हैं, लिहाजा ये एक कोई ना कोई राबता है जिसकी बिना पर आप दुआ करते हैं, और बेहतरीन इबादतों में से इबादत है इस वक्त मैं अपने इमाम के लिए दुआ कर रहा हूं। इसी तरीके से तीसरी चीज जो उन्होंने लिखी है कि आप इमाम के चाहने वालों की मदद करें, जैसा अबुल हसन असवानी की जो तौकी मैंने इस वक्त आपकी खिदमत में पढ़ी है उसमें यह है कि आप अपनी दहलीज पर बैठ जाएं। आप गौर कर रहे हैं, ये एक बहुत यही एक जुमला काफी बड़ा चैप्टर है कि आप अपने रखिस नफ्सिक, आप अपने नफ्स को इस बात पर आमादा करें, माइल करें कि आप अपनी दहलीज पर बैठें। वजलिस फित दहलीज, अपनी दहलीज पे अपने दरवाजे पे जाके बैठ जाए, लोगों की हाजतों को पूरी करें, नहनो ननसुर का हम तुम्हारी मदद करेंगे। और आप देखें अगर इमाम की नजर करम ना होती, मुकद्दस अर्दबेली का बड़ा मशहूर सा वाकया है, जल्दी से मैं इसको भी एक मिनट के अंदर बात को पहुंचा दूं। मुकद्दस अर्दबेली अपने तमाम हाजात के लिए अपने वक्त के इमाम के पास यानी अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास नजफ़ अशरफ तशरीफ ले जाते थे, और बाकायदा रवायत कहती है कि मुकद्दस अर्दबेली की मौलाए कायनात से बात होती थी। एक दिन मुकद्दस अर्दबेली अपने मसाइल के सिलसिले में शब के आखिरी हिस्से में गए और अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने मसाइल को रखा, तो वहां से रावी कहता है कि इमाम को कोई इमाम ने कोई जवाब दिया और मुकद्दस अर्दबेली सीधे निकल के मस्जिद कुफा चले गए। वहां से रावी, वो जो पीछे उनका शागिर्द था, उस बात में वो पूरी तफसील है, उसने पूछा कि क्या हुआ आप वहां से यहां हुए और वहां एक पिलर के पास और एक गोशे में गए और वहां एक नूर देखा और वो बात हुई। कहा कि मैं अपने मसाइल के सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास गया था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि इस वक्त तुम्हारे इमाम मस्जिद कूफा में है, तुम जाके अपना मसला अपने इमाम के सामने रखो, इमाम तुम्हारा मौजूद है, तुम जाके अपने इमाम से गुफ्तगू करो अपने मसाइल के हल के लिए अपने इमाम से। यह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मुकद्दस अर्दबेली से कहना कि जाके तुम अपने इमाम के सामने अपने मसाइल को रखो, जाके तुम अपने इमाम के सामने अपनी बात को रखो, जाके तुम अपने इमाम से राबता करो, ये इस बात की दलील है कि हमारे उलमा राबते में है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे राबता कर सके, इसमें बस ये कहा जा सकता है कि अपने अमल को, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को आप इतना ऊपर लेकर आ जाइए कि आपको नहीं कहना पड़े कि मैं इमाम से जाकर मिलूं, इमाम खुद तलाशते हुए आप तक आएंगे। जैसा इससे पहले इमाम के हवाले से और उससे पहले के आइम्मा के हवाले से ये रवायतें मशहूर है कि किस तरीके से इमाम जाते थे और जाकर मिलते थे। तो तीन चीजें, आखिरी चीज मैं बात करूं ताकि मेरे वक्त में बात खत्म हो जाए। इमाम के जो शिया हैं, इमाम के जो चाहने वाले हैं, उनकी मदद करना। उसके अलावा इमाम से मंसूब जो दुआएं हैं उनकी तिलावत करना और लोगों को उस तिलावत पर आमादा करना। आप गौर करें, दुआए नुतबा है, इमाम की सलामती की दुआ है, ज़ियारत आले यासीन है, इनकी खुद भी तिलावत करना और उसके बाद इस तिलावत की तरफ लोगों को मायल करना इमाम से राबते को मजबूत करता है। क्योंकि इनके जब आप मफाहीन में, इन दुआओं के मफाहीन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि राबता है। और अगर कोई, बस मैं आखिरी बात, चूंकि 36 सेकंड मेरे पास बचे हैं, आखिरी बात मैं कह के बात को खत्म करूँ, अगर कोई ये कहता है कि इमाम से राबता नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह है कि कह सकता है कि खुदा से भी राबता नहीं हो सकता है। इसलिए कि जिस तरीके से इमाम पर्दे गैब में है, खुदा भी तो जाहिर नहीं हो सकता। कौन बंदा है जो यह कह सकता है कि वो बंदा होकर अपने खुदा के राबते में नहीं है? आप गौर कर रहे हैं, परवरदिगार आलम ने कहा है कि ए मेरे बंदो घबराना नहीं, मैं तुम्हारी रग नहनो अकरब मिन हबलिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे जा से ज्यादा करीब हूं। यह रगे जा से ज्यादा करीब खुदा है, तो इसका मतलब यह है कि जब खुदा रगे जा से ज्यादा करीब है तो खुदा ने जिसे हम पर हुज्जत बनाकर भेजा है वो भी रगे जा से ज्यादा करीब है। हम उसके राबते में उसी तरीके से हैं जैसे बंदा खुदा के राबते में है। खुदा के राबते में सजदे की बिना पर है और अपने इमाम से राबते में दुआ की बिना पर है। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह मौलाना साहब। On behalf of 12 Talks, we present a small token of appreciation to Maulana Saab. Summarizing what Maulana Saab said, his topic was our scholars in touch with Imam Mahdi alayhi salam. He has quoted some hadith from Imam Mahdi alayhi salam, where the Imam has asked the people to connect with the scholars, who are then connected with the Imam himself. Maulana Saab also mentioned that we cannot meet the Imam, but if the Imam alayhi salam wants to meet, he can meet the selected people.
how would one connect with the Imam? Maulana Sahab in his speech gave us a few pointers where he said to do intizar, to do dua, and to help your brethren. Sadaqallahul Aliyyul Azim.